We're diving in. 3, 2, 1. Coke Studio Bangla, Season Bangla, 2. Season 2. Okay. Music देखो. हार्मनी मुझे ऑलरेडी सुनाई दे रही है म्यूजिक में. आशिक जन दीवाना मरणेर भय राखे ना मरणेर आगे मोरे ओरो शिक्का जाने ना. आशिक जन दीवाना मरणेर भय राखे ना मरणेर आगे मोरे ओरो शिक्का जाने ना. ये एकदम शिफ्ट मारा है इन्होंने. सृष्टि होते आदम सभी होवेले जतो नबी. सृष्टि होते आदम सभी होवेले जतो नबी. তারাই ছিল আসল পাগল, তারাই ছিল প্রেমের পাগল. আশেক দিওয়ানা আশেক জন দিওয়ানা মরণের ভয় রাখে না মরণের আগে মরে ওর শিক্ষা জানে না. আশেক জন দিওয়ানা মরণের ভয় রাখে না মরণের আগে মরে ওর শিক্ষা জানে. Oh,
3:30 से स्टार्ट कर रही हूँ मैं 3:30। अच्छा, मैं थीम के ऊपर, गाने की थीम के ऊपर बाद में जाऊंगी। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि गाना कैसा था, हाउ इट मेड मी फील लाइक, और कंपोजिशन एंड ऑल। पहले तो इस तरह का गाना मैंने कोक स्टूडियो बंगला की तरफ से या किसी और कोक स्टूडियो एनीवेयर मैंने नहीं सुना। पाकिस्तान में हमारे पास आबिदा परवीन है, जो कि डिविनिटी पे, जो कि सोलफुल स्पिरिचुअलिटी पे गाने गाती हैं। जिस तरह के रिसेंटली उनका कोक स्टूडियो पाकिस्तान सीज़न 14 में झूम था, आपने सुना होगा, या फिर एक दो और गाने कहते हैं इनको, उनका कुछ कलाम है तो उसे थोड़ी रिजेम्बलेंस मुझे लगी। आशिक जान दीवाना, भय रखे ना। मगर आबिदा गाती है स्लो, उनका फोक म्यूजिक, मगर ये बिल्कुल भी स्लो नहीं था। ये बिल्कुल भी, इट वॉज फोक, it was classical in some way, but it was fast, it was
so upbeat, it was so hyped, it was so passionate, it was so full of energy. Vocally bahut elite, vocally bahut hi superior, vocally bahut hi soulful, bahut soul touching, bahut moving, bahut hi zyada like utarne wala. Obviously unhone awaazein bahut चुन के पिक करनी है. अगर डिविनिटी पे बात करनी है, अगर थीम ये रखना है कि गॉडली लव अगर आपने डिस्क्राइब करना है वो भी गाने में, तो आप यू हैव टू पिक दोज वॉइस. ताराय छिलो आसल पागल, ताराय छिलो प्रेमेर पागल आशिक दीवाना. वोकली बहुत अच्छा था गाना, गाना नहीं कवाली, कलाम बहुत अच्छा था. इंस्ट्रूमेंट्स की सारी गेम थी. अगर मैं ये करूँ ना, इंस्ट्रूमेंट्स ग्रेटर देन वोकल्स, नहीं इक्वल और ग्रेटर देन. कंपोजिशन इतनी स्ट्रांग, मतलब उसमें बीट बॉक्सिंग थी, उसमें हमको न्यू एज इंस्ट्रूमेंट्स मिले, न्यू एज कंपोजिशन मिली, न्यू एज. न्यू एज म्यूजिक मिला, बीट मिली, बहुत ही एडवांस, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मॉडर्न. मतलब बच्चों ने अगर सुना है और बच्चे बोर हो जाते हैं और उनको आपको डिविनिटी के बारे में कुछ सुनाना है, तो दिस इज द थिंग, दिस इज द स्क्रिप्ट. तो मुझे सुन के बहुत मज़ा आ रहा था, मुझे सुन के बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे बहुत स्पिरिचुअल फील हो रहा था आवाज़ों को लेकर के, म्यूज़िक को लेकर के. बहुत ही पावरफुल परफॉर्मेंस थी, बहुत ज्यादा. लाइक कॉस्ट्यूम से लेके सेट से लेके जिस तरह से कैमरा वर्क था, जिस तरह से जूम इन करके एक एक इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हुए दिखाया जा रहा था, एवरीथिंग वॉज अ ग्रेट शो. बहुत ही एंटरटेनिंग, बहुत ही नॉट जस्ट एंटरटेनिंग बट एंटरटेनमेंट विद सब्सटेंस. मुझे बहुत पसंद आया, मुझे बहुत अच्छा लगा. अब हम थोड़ी स्पिरिचुअलिटी पे बात कर लेंगे, अब हम थीम पे बात कर लेंगे. थीम ये है कि जो दीवाने होते हैं, जो लोग फेथ वाले होते हैं, जो ऊपर वाला क्रिएटर को मानने वाले होते हैं, जो के डिवोटीज होते हैं, वो इतने पागल होते हैं, वो इतने फियरलेस होते हैं कि उनको डेथ से डर नहीं लगता, क्योंकि उनको लगता है डेथ इज़ गना बी द मीटिंग पॉइंट. दे आर गना मीट देयर लॉर्ड, दे आर गना मीट देयर क्रिएटर. मतलब बस वो इस दुनिया में एक चक्कर काट रहे हैं और सफरिंग कर रहे हैं और दे कांट वेट टू डाई. और उन्होंने साथ में लिरिक्स में कहा कि कुछ लोग तो जीते जीत भी मर जाते हैं. उस मरने का मतलब ये होता है कि आप गिव अप कर देते हो अपनी वर्ल्डली विशेज, वर्ल्डली डिजायर्स को गिव अप कर देते हो, अपने नफ्स को मार दे. आई डू यू गाइज नो वट नफ्स इज? नफ्स इज जो आपकी दिल में ख्वाहिशात होती हैं उसको आप मार देते हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, मुझे बड़ा घर चाहिए, शोहरत चाहिए. वो सब से आप पीछे हो जाते हो, वो सब से आपका दिल फिर जाता है और आप बिल्कुल डिवोटेड हो जाते हो टुवर्ड्स गॉड, टुवर्ड्स जो भी आपका क्रिएटर है. ये बेसिकली होप थी कि डिवोटी फियरलेस होता है डेथ से, और कुछ डिवोटीज डेथ से पहले ही मर जाते हैं. मतलब दुनिया से उनको कोई गर्ज नहीं है, उनको खाने पीने से गर्ज नहीं है. वो खाते हैं तो जिंदा रहने के लिए खाते हैं, वो पहनते हैं तो सिर्फ जिस्म को ढांपने के लिए पहनते हैं, और कोई भी शेड के नीचे सो जाते हैं और बस इंतज़ार करते हैं कि अनटिल डेथ अराइव. तो खूबसूरत थीम है, डीप थीम है, बहुत ही घूस बम्स वाली थीम है, क्योंकि मैं आई एम नॉट लाइक अ पर्सन ऑफ ग्रेट फेथ. आई एम नॉट वन टू टॉक अबाउट इट. हम सब, तुम जो बैठे हो, डू नॉट स्कूल मी. पाकिस्तानी लोगों को बड़ा होता है कि यार तुम्हें इस्लाम का नहीं पता, डू नॉट स्कूल मी, आई एम नॉट हियर टू बी स्कूल्ड. पीस ऑफ आर्ट को अप्रिशिएट करने के लिए बैठी हुई हूँ और आपको बता रही हूँ, एंड आई एम बीइंग ऑनेस्ट. क्या मतलब, तो मुझे ना तो मैं इस तरह के लोगों से मिली हूँ पर्सनली, क्योंकि मुझे थोड़ा डर लगता है, और ना ही मुझे उनके माइंडसेट का पता है, क्योंकि उनका इतना ईमान होता है, उनका इतना फेथ होता है कि हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते. हम लोग दुनियावी लोग हैं, हमको मटेरियल से गर्ज है, हमको गर्मी लगती है, हमको भूख लगती है, हमको अच्छा ये चाहिए, अच्छा वो चाहिए, उनको नहीं चाहिए. तो मुझे आई कॉन्ट थिंक अदरवाइज, आई कैन नॉट लुक फ्रॉम देयर परस्पेक्टिव.
मुझे नहीं पता क्योंकि कहीं ना मुझे ये बोलना नहीं चाहिए, कुछ लोग इस बात पे माइंड करेंगे, मगर जो रिलीजन्स हैं पर्टिकुलरली इस्लाम, वो आपको मना करता है ख़ुद को डिवोट करने से. वो चाहता है कि आप दुनिया भी लेके चलो और आखरत भी लेके चलो और आप बिल्कुल ही उसको क्या कहते हैं फ़कीर वगैरह मत बन जाओ. मगर हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा हिस्सा है स्पिरिचुअलिटी और फ़कीर और जो जो लोग डिवोटीज़ होते हैं बेसिकली. These are the people that do exist. These are the people who inspire other people. These are the people who उन लोगों की वजह से थोड़ी sanity होती है, उन लोगों की वजह से आपको दूसरी side पता लगती है दुनिया की. आपको पता लगता है कि lustless life कैसी होती है, ऐसी life जिसमें desires नहीं होती कैसी होती है. You stay grounded with these kind of people in your society. अगर बिल्कुल ही अमेरिका बन जाए और हर कोई चेज कर रहे हैं तो फिर हम सब रोबोट्स बन जाएंगे. आई रिस्पेक्ट एवरीबडी, आइदर यू आर अ रोबोट और अ फकीर, ह्यूज रिस्पेक्ट. बट कोक स्टूडियो बंगला के बारे में है, क्या ही प्रोड्यूस कर रहे हो. दिस टाइम इट्स कोक स्टूडियो बंगला वर्सेस कोक स्टूडियो बंगला. इट्स गुड. आई एम अमेज्ड, आई एम टच्ड, आई एम मूव्ड, आई लव द कंपोजिशन. दैट इज ऑल आई हैव टू से. आप लोगों से मिलेंगे कोक स्टूडियो बंगला के अगले गाने पे. अंटिल देन ख्याल रखो अपना, ख्याल रखो मेरा, और सब्सक्राइब दिस वन, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @ramuna. बाय, गुड नाइट, लव यू.